वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सबको पता है कि पिक्सल 2 का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप आपके फ़ोन में जो पिक्सल का लुक है वो दे सकते हो। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप आपके फ़ोन में गूगल लॉन्चर डाउनलोड करके गूगल पिक्सल का लुक दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखते रहो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आपके फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल पिक्सल लॉन्चर का, तो फिर आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं डिफॉल्ट लॉन्चर से पिक्सल लॉन्चर ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। इसका सेटअप तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ, तो आप ऐसे करके सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप आपके फ़ोन को सेटअप कर लीजिए जैसे आपको पसंद है। तो आप देख सकते हो, पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत पिक्सल 2 का लॉन्चर जो है वो हमें मिल गया है। तो इसके लिए हमें पहले वॉलपेपर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉलपेपर चेंज करने के लिए अगर आप कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड कर चुके हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर थीम में जाकर सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते रहो, मैं दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी डाउनलोड कर चुका है पहले से ही तो आप उसे सेट कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे सर्च करके भी डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेवर से जो का जो वॉलपेपर है मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं वो डाउनलोड करके और देखते रहूँ। वॉलपेपर नहीं जाना पड़ेगा, तो देख सकते हो मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हो। आप बहुत बढ़िया सा लुक आ गया है हमारे फ़ोन में गूगल पिक्सल का। तो आप यहाँ का जो सेटिंग है वो ऐसे ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो का नोटिफिकेशन डॉट ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइज में मैं यूज़ डार्क थीम करके रखूँ, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो अनसेलेक्ट कर दीजिए। तो डिफॉल्ट तो आपको ऐसे ही मिलेगा, मुझे डार्क पसंद है इसलिए मैं डार्क मोड ऑन करके रखता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे ही कर लीजिएगा। तो ऐसे ही मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको पिक्सल का सिंपल लुक चाहिए तो इतना आपके लिए ठीक रहेगा, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है, कोई भी ऐप जल्द से ओपन होता है। MIUI 9 की तरह भी है, देख सकते हो। अगर आपको आपके फ्रेंड के सामने शो अप करना है तो आपको ऊपर का नोटिफिकेशन शेड भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर के जाके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सर्च में मटेरियल नोटिफिकेशन शेड सर्च करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सर्च करता हूँ, आप देखते रहो। ये जो ऐप है मटेरियल नोटिफिकेशन शेड, ये आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए मैं इंस्टॉल करता हूँ। ऐप का साइज़ भी ज़्यादा नहीं है, 2.2 MB का है। तो इंस्टॉल हो चुका है, मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेगा वो आपको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते रहो, मैं देखता हूँ यहाँ पे जो भी आपको परमिशन चाहिए वो अलाउ करना पड़ेगा। देख सकते हो सब हो चुका है, आप नोटिफिकेशन बिल्कुल स्टॉप
एंड्रॉयड की तरह हो गए ऑडियो की तरह। आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक करता हूँ, अब आपके हिसाब में कर लीजिए। देख सकते हो अभी थीम, वॉलपेपर, सब कुछ एकदम सेम हो गया, एक लेवल पे आ गया। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोन टूल का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही रखा हूँ, कोई भी और दूसरा ऐप नहीं डाउनलोड किया। अगर आप लोग पहले से कोई भी गूगल पिक्सल का लॉन्चर डाउनलोड कर चुके हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए ऐसे। उसको अनइंस्टॉल करने के बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। यहाँ पर गूगल का जो फीचर्स है गूगल, वो भी एकदम लेटेस्ट है। इसका परफॉर्मेंस मैंने पहले ही बोला, बहुत ही बढ़िया है। आप नोटिफिकेशन शेड भी मिल जाता है, मतलब कि आप आपका फोन का टोटल लुक चेंज कर सकते हो ऐसे। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना प्लीज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, इसमें जाता क्या है, तो बहुत फ्री है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन